लॉन्ग टर्म में एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस मेजरली डिपेंड करती है असेट एलोकेशन पर क्योंकि कभी इक्विटी मार्केट में तेजी होती है तो कभी डेट मार्केट अच्छा परफॉर्म करता है और कभी हमने देखा है कि गोल्ड में अच्छी तेजी देखी जाती है तो इसलिए यदि एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में सभी असेट क्लासेस अवेलेबल हों और समय के अनुसार सिचुएशन के अकॉर्डिंग उनका परसेंटेज एलोकेशन या उनका वेट बदलता रहे तो इसका फायदा इन्वेस्टर्स को मिल सकता है तो आज मैं बात करूंगा एक ऐसे फंड की जो मल्टीपल असैट क्लासेस में इन्वेस्ट कर सकता है और एक डायनेमिक अट एलोकेशन मॉडल फॉलो करता है नमस्कार मैं हूं पंकज बटपाल सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में केवल असेट क्लासेस ही नहीं बल्कि सब असेट क्लासेस की परफॉर्मेंस भी समय समय पर बदलती रहती है यदि मैं इक्विटी की बात करूं तो कभी लार्ज कैप शेयर्स में तेज़ी देखने को मिलती है तो कभी मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स लार्ज कैप के मुकाबले बेहतर परफॉर्म करते हैं वहीं यदि मैं डेट की बात करूं तो कभी शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स अच्छा परफॉर्म करते हैं तो किसी वक्त पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या लॉन्ग टर्म कॉरपोरेट बॉन्ड्स में अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलते हैं तो यदि एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में असेट क्लासेस के साथ साथ सब असेट क्लासेस का एलोकेशन भी अप्रोप्रिएट रहे तो आपको बेटर रिटर्न्स मिलने की उम्मीद बढ़ जाती है लेकिन असेट क्लास के ट्रेंड को कैप्चर करना इतना भी आसान नहीं होता ग्रीड एंड फियर के चक्कर में कई बार हाथ से अपॉर्चुनिटी निकल जाती है तो कई बार डिसीजन गलत हो जाता है जिसका नुकसान इन्वेस्टर को उठाना पड़ सकता है ऐसे में रूल बेस्ड असेट एलोकेशन इन्वेस्टर्स के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है असेट एलोकेशन में ग्लोबल क्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं कैपिटल लिक्विडिटी मैक्रोज फंडामेंटल्स ये सभी चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं साथ ही बिहेवियरल और सेंटिमेंटल फैक्टर्स को समझना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है निपोन इंडिया असेड एलोकेटर फंड ऑफ फंड्स एक ऐसा फंड है जो अपने ही फंड हाउस के दूसरे फंड्स की यूनिट्स में इन्वेस्ट करता है रूल बेस्ड एसेट एलोकेशन से वेरियस एसेट क्लासेस के बीच सही एलोकेशन तय करना तो आसान हो ही जाता है साथ ही अलग अलग मार्केट कैप वाले स्टॉक्स या डिफरेंट मैच्योरिटी वाले डेट सिक्योरिटीज के बीच एलोकेशन तय करने में भी इससे मदद मिलती है और ये अल्फा जनरेट करने में काफी हेल्पफुल हो सकता है ये स्कीम रूल बेस्ड तरीके से जीरो टू हंड्रेड परसेंट इक्विटी में या फिर किसी वक्त पर जीरो टू हंड्रेड परसेंट डेट में इन्वेस्ट कर सकती है और ऐसा भी हो सकता है कि किसी वक्त पर जीरो टू ट्वेंटी फाइव परसेंट एलोकेशन गोल्ड ईटीएफ में हो सकता है और साथ ही ये भी पॉसिबल है कि अप टू फाइव परसेंट एलोकेशन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स या फिर लिक्विड फंड की यूनिट्स में हो सकता है निपोन इंडिया म्यूचुअल फंड का कहना है कि उन्होंने एक प्रोप्राइटरी मॉडल तैयार किया है और इस मॉडल के आधार पर वेरियस फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ये एलोकेशन डिसाइड किया जाता है और इससे बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट करने में मदद मिलती है ग्लोबल डिमांड इंडिकेटर मार्केट ब्रेथ इंडिकेटर मोमेंटम ट्रेंड वेटेड डॉलर इंडेक्स मार्केट रिस्क सेंटीमेंट्स आई फॉरवर्ड इंडेक्स ये ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिनके आधार पर यह मॉडल तैयार किया गया है और इससे इस स्कीम के पोर्टफोलियो का एलोकेशन डिसाइड किया जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ मार्केट पार्टिसिपेशन से मालूम चल जाता है कि किसी असेट क्लास में कितना एलोकेशन होना चाहिए और विद इन असेट क्लास किस तरह का एलोकेशन रहना चाहिए ट्रेंड और मोमेंटम से जो लूजिंग असेट क्लास है वहां से निकलने में मदद मिलती है और जो विनिंग असेट क्लास है उनमें इन्वेस्टेड रहना है ये समझा जा सकता है तो इस टाइम टेस्टेड मॉडल के आधार पर एसेट क्लास और विदिन असेट क्लास जो एलोकेशन होना है वो तैयार किया जा सकता है डिफरेंट इकोनॉमिक फेजेज में मॉडल के आधार पर इंसेप्शन से अब तक जो एलोकेशन रहा है वो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं हालांकि ये सिर्फ इलेस्टेशन पर्पज के लिए है लेकिन इससे आपको एक आइडिया लगता है कि ये मॉडल किस तरह से काम करता है और डिफरेंट इकोनॉमिक कंडीशंस में किस तरह का एलोकेशन इस स्कीम का रहा है ये स्कीम फिफ्थ फेब 2021 को लॉन्च हुई थी और एज ऑन टूडे यानी कि नाइनटीन जुलाई 2022 को जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इस स्कीम का सिंस इंसेप्शन कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ 14 परसेंट से थोड़ा अधिक रही है अब यदि स्कीम के टोटल एक्सपेंस रेशियो यानी कि टी ई आर की बात की जाए तो एज ऑन थर्टियथ जून टू थाउजेंड ट्वेंटी टू रेगुलर प्लान का टी ई आर वन पॉइंट टू सिक्स परसेंट था जबकि डायरेक्ट प्लान का टोटल एक्सपेंस रेशियो जीरो पॉइंट वन सिक्स परसेंट था हालांकि एक फंड ऑफ फंड्स स्कीम है तो जिन फंड्स की यूनिट्स में इस फंड ने इन्वेस्ट किया है उनका भी अपना एक्सपेंस रेशियो होगा अब बात करते हैं इस स्कीम की सुटेबिलिटी की यानी कि किस तरह के निवेशकों को इस स्कीम में निवेश करना चाहिए तो ऐसे निवेशक जिन्हें मार्केट की बहुत अच्छी जानकारी नहीं है या फिर जिनके पास इतना समय नहीं है कि वो समय समय पर असेट क्लासेस के बीच में फेरबदल कर सकें ऐसे निवेशक इस स्कीम में निवेश करने पर विचार कर सकते हैं साथ ही एस यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के लिए ये स्कीम सुटेबल है ऐसे इन्वेस्टर्स जो अपना रेगुलर कैश फ्लो मैनेज करने के लिए एसडब्ल्यूपी के जरिए म्यूचुअल फंड से पैसे विड्रॉ करना चाहते हैं उनके लिए इस तरह की स्कीम उपयोगी साबित हो सकती है और अब यदि इन्वेस्टमेंट हराइजन की बात की जाए यानी कि इस स्कीम में किसी निवेशक को कम से कम कितने समय के लिए निवेश करना चाहिए तो यदि तीन साल से अधिक की अवधि के लिए निवेश किया जाए तो इनकम टैक्स के नजरिए से स्कीम लॉन्ग टर्म के लिए क्वालिफाई हो जाएगी यानी कि इस पर जो लॉन्ग टर्म गेन्स होंगे वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कहलाएंगे तो यदि तीन साल के बाद इस स्कीम के यूनिट्स को रिडीम किया जाता है तो यहां पर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होंगे उस पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा और इंडेक्सेशन के बेनिफिट के साथ 20% के रेट से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल होगा तो यदि हम टोटल प्रॉफिट पर टैक्स की बात करें तो इफेक्टिवली ये ट्वेंटी परसेंट से भी कम हो जाएगा इस स्कीम में मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट फाइव थाउजेंड रुपीज़ है यानी कि पांच हजार रुपये से आप निवेश की शुरुआत कर सकते हैं और उसके बाद एक रुपये के मल्टीपल्स में इसे बढ़ाया जा सकता है एडिशनल परचेस आप मिनिमम थाउजेंड रुपीज कर सकते हैं और यदि आपको यहां पर एस शुरू करनी है तो भी थाउजेंड रुपीज की एसआईपी की जा सकती है तो ये थी कुछ जानकारी इस इस स्कीम स्कीम के बारे में यदि इस, इस स्कीम से जुड़ा हुआ आपका कोई सवाल हो या फिर या फिर पर्सनल फाइनेंस म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं आज के इस वीडियो में इतना ही अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी थैंक यू जय हिंद म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।